कि हम शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को तेजी से करते हुए रिक्तियों को पूरी तरह भरें और इस दौरान उच्च माध्यमिक बेसिक और तकनीकी शिक्षा के लगभग 1.5 लाख शिक्षकों के पद प्रदेश के अंदर भरे गए। मुझे प्रसन्नता है कि इसमें योग्यता को और संविधान के आरक्षण के नियमों का पूरा पालन करते हुए प्रदेश के योग्यतम अभ्यर्थियों को प्रदेश के अंदर शिक्षा जगत में किए जाने वाले परिवर्तन का साक्षी बनने का एक अवसर प्रदान किया गया है और आज ये सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित 2846 यानी 2846 प्रवक्ता और सहायक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई और उन सभी 9 चयनित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन मेरिट के आधार पर उन्हें विद्यालय भी चयन करके उपलब्ध करवाए हैं। मैं इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग को, खासतौर पर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप सबको शिक्षा जगत में ऐसे समय में एक शिक्षक के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है जब ये देश नई शिक्षा नीति के साथ सामने आया है। आपने जब अपना अध्ययन किया होगा, अपना प्रशिक्षण लिया होगा, उस समय हम 1986 की शिक्षा नीति के अनुरूप अपना शिक्षण और अपना प्रशिक्षण ले रहे थे। 2022 से यह देश नई शिक्षा नीति के साथ आगे बढ़ेगा। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने 2020 में कोरोना महामारी के बावजूद नई शिक्षा नीति को पूरे देश के अंदर लागू किया। शिक्षा जगत में आमूलचूल परिवर्तन करने का, इस देश को सुयोग्य नागरिक प्रदान करने के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में हमारे शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने के और शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं होगी बल्कि शिक्षा एक इनोवेशन का माध्यम भी बनेगा। शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ नए अनुसंधान और नए शोध के भी माध्यम बनेगी। इस दृष्टि से नई शिक्षा नीति देश के अंदर लागू की गई है, जिसमें तमाम प्रकार के विकल्प हर एक छात्र छात्रा के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि उसके लिए अभी से अपनी तैयारी और अपने को उसके अनुरूप बनाने की तैयारी ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और मैं आह्वान करूंगा आप सबका, आपने देखा होगा आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे रहे होंगे जिन्होंने अपनी किस्मत को 2017 के पहले तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ आजमाने का प्रयास किया होगा, लेकिन योग्यता होने के बावजूद आपको निराशा मिली होगी क्योंकि तब पारदर्शी व्यवस्था नहीं थी, ईमानदारी का अभाव था, तब हर एक चयन की प्रक्रिया में बेईमानी और भ्रष्टाचार का घुन लग जाता था और अंततः व्यक्ति को हताश और निराश होकर के घर में चुपचाप बैठना पड़ता था। लेकिन एक प्रक्रिया 2017 के बाद आप सबको देखने को मिली होगी, जिस चयन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रदेश के अंदर, अभी हमारी सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, लेकिन इन 52-53 महीनों के दौरान हमारी सरकार ने अब तक 4.5 लाख प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी प्रदेश के विभिन्न विभागों के अंदर दी है और अन्यथा ये सभी नियुक्तियां पिछली सरकारों की बेईमानी और भ्रष्टाचार की गित दृष्टि के कारण, न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण रुकी हुई थी। मार्च 2017 में सरकार बनी, हम लोगों ने एक एक करके उन सभी समस्याओं का समाधान किया।
आखिर ये भर्तियां क्यों बंद हैं, हमारा नौजवान क्यों घूम रहा है, योग्यता और क्षमता होने के बावजूद उसको अपने प्रदेश में अपने जनपद में कार्य क्यों नहीं मिल पा रहा है। और जब हम लोग इस पर आए तो ये देखने को मिल रहा था कि बेईमानी और भ्रष्टाचार कि जिस आकंट व्यवस्था के साथ ये लोग डूबे हुए थे, और भ्रष्टाचार केवल वंशवाद और जातिवाद का ही नग्न तांडव नहीं कर रहा था, बल्कि बेईमानी और भ्रष्टाचार की भी एक नई गाथा लिख करके प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। और ये बंद होना ही चाहिए, इस संकल्प के साथ जब कार्रवाई प्रारंभ हुई उसके परिणाम सबके सामने देखने को मिले। 4.5 लाख नौजवान सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर पाए, आप उठाकर के देखिए पिछले 15-20 वर्षों के उत्तर प्रदेश शासन के अंदर हुई नियुक्तियों के डाटा आंकड़ों को, किसी भी सरकार के कार्यकाल में इतनी नियुक्तियां आपको नहीं मिली होंगी। और जब हमारी सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल पूरे हो रहे होंगे तब ये सरकार 5 लाख सरकारी नियुक्ति प्रदेश के नौजवानों को देने में सफल हो चुकी होगी। और ये सरकारी नियुक्ति केवल सरकारी क्षेत्र में नहीं, ये 5 लाख तो सरकारी क्षेत्र में हम लोग देंगे लेकिन इससे कई गुना ज्यादा नौकरी और रोजगार निजी क्षेत्र में भी हम लोगों ने प्रदेश के नौजवानों के लिए उपलब्ध करवाए हैं। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति, न केवल प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणाएं बदली हैं, बल्कि प्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण देने में भी सफलता प्राप्त हुई है। हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि आज प्रदेश सुरक्षित है, हम जो पूंजी लगाएंगे वो कोई माफिया जबरन कब्जा करके अपहरण करके फिरौती वसूली के नाम पर अराजकता और व्यवस्था पैदा करने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि से मालूम है अगर करेगा तो उसके अंजाम क्या होंगे, और इसलिए कोई भी उस प्रकार का दुस्साहस नहीं कर सकता। हर व्यक्ति निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश को मानता है। हमने व्यापक रिफॉर्म किए, उस रिफॉर्म के परिणाम सामने आ रहे हैं, इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें और 16वें रैंकिंग से उत्तर प्रदेश आज दूसरे नंबर पर आ गया है, देश के अंदर सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश आया है। प्रदेश के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हुए, हर एक विभाग ने, शासन से जुड़े हुए हर एक विभाग ने अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ किया, उसका परिणाम सामने आया। और सामने परिणाम का किस रूप में कि प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने एक नई ऊंचाइयां छूना प्रारंभ किया। हम लोग जब 2017 में आए तो 16-17 के अंदर क्या स्थिति थी प्रदेश के अंदर, प्रदेश के बारे में जब लोग परिचय देते थे कि हम देश के अंदर सबसे बड़े आबादी के राज्य के निवासी हैं, और जब अर्थव्यवस्था की बात आती थी तो लोग कहते थे हम देश की 6ठी अर्थव्यवस्था हैं, यानी आबादी में सबसे बड़े लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान क्या, लोग कहते थे 6ठी अर्थव्यवस्था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है पिछले 4-4.25 वर्ष के अंदर किए गए परिश्रम का परिणाम है उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी दुनिया के सामने आया। निवेश और अर्थ जो प्रदेश के अंदर आर्थिक विकास की नई नई ऊंचाइयां छूना प्रारंभ किया, इसके कारण व्यापक निवेश की संभावनाएं प्रदेश के अंदर बनी। आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर ही रहा है, प्रदेश में नए निवेश को भी आमंत्रित करता है। और यह नया निवेश 1.61 करोड़ से अधिक नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने में सफल हुआ। यह वही प्रदेश है जहां पे नौजवान भागते थे। आज ये जानते हुए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो व्यापक संभावनाएं थी, आप में से बहुत सारे लोग शिक्षक बनने के पहले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 2017 के भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र को पढ़े होंगे। उस लोक कल्याण संकल्प पत्र में एक लाइन यह भी थी
कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम प्रदेश के परंपरागत उद्यम को पुनर्जीवित करने का और उसके प्रोत्साहन के लिए कार्य करेंगे। ये परंपरागत उद्यम क्या था? ये परंपरागत उद्यम प्रदेश का जो अलग अलग जनपदों में एमएसएमई के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के क्लस्टर बने हुए थे, जो रोजगार और स्वावलंबन के बहुत बड़े केंद्र थे, पिछली सरकारों की उपेक्षात्मक रवैये के कारण सब बंदी के कगार पर थी, उजाड़ सा हो गया था। आपने देखा होगा 2018 में हमारी सरकार ने 17 में आने के बाद उसकी मैपिंग प्रारंभ की। मैपिंग करने के बाद उनके लिए मार्केट की तलाश प्रारंभ हुई, उनको नई तकनीक के साथ जोड़ने, उनको नई डिजाइन के साथ आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ। और फरवरी 2018 में जब प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने प्रदेश के इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करवाया था, उस समय हम एक नई योजना के साथ लेके आए थे परंपरागत उद्यम के लिए, वह था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की नीति, जो प्रदेश के परंपरागत उद्यम को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना था। आज देश ही नहीं दुनिया की लोकप्रिय योजना बन चुकी है और प्रदेश के एक्सपोर्ट को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है और प्रदेश को एक्सपोर्ट का एक नया हब बनाने में जिसकी बहुत बड़ी भूमिका है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर आज हो रहा है। ये काम पहले भी हो सकता था, विकास की सोच नहीं थी, नौजवानों के प्रति कोई, उनके प्रति उनके मन में कोई इस प्रकार का भाव नहीं था। प्रदेश के अंदर नौजवान को रोजगार मिले, नौकरी मिले, प्रदेश के अंदर अपने ही गांव में, अपने ही घर में, अपने ही जनपद में, अपने ही प्रदेश में नौजवान नौकरी और रोजगार प्राप्त कर ले, ये सरकार की, पिछली सरकारों की मंशाएं नहीं थी और वही कारण था प्रदेश का नौजवान प्रदेश से पलायन करने के लिए मजबूर होता था, पर निराश और ताश था। लेकिन 2017 के अंदर हुए परिवर्तन के बाद 2017 में देश के अंदर अगर उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी की दर थी वह 17.6% थी, आज 2021 के अंदर अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर देखेंगे तो ये 4.1% मात्र रह गई है। यानी परिवर्तन लगातार हर स्तर पर देखने को मिल रहा है। ये परिवर्तन इस बात का द्योतक है कि प्रदेश के अंदर प्रदेश ने जो दिशा अपनी तय की है वह एक सही और सकारात्मक है। प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, प्रदेश के अंदर नए निवेश के लिए और प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को लेकर, इसमें आपकी अपनी बड़ी भूमिका हो सकती है। आप में से 2846 शिक्षक आज चयनित होकर के जाएंगे और ये 2846 शिक्षकों से मेरी यही अपेक्षा होगी कि चयन की पूरी प्रक्रिया में कहीं भी आपको किसी भी स्तर पर प्रवेश पत्र भरते समय, यानी जब आपने इस परीक्षा के लिए अपना प्रवेश पत्र भरा होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म भरा होगा, उस एग्जामिनेशन फॉर्म से लेकर के परिणाम आने, चयन होने, मेरिट सूची तैयार होने और आज नियुक्ति पत्र प्राप्त होने तक किसी भी स्तर पर कहीं भी सिफारिश कराने की नौबत आपके सामने नहीं आई होगी। एकदम पारदर्शी तरीके से, पूरे व्यवस्थित तरीके से ये पूरी की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो रही है। जब आपको किसी भी प्रक्रिया में न सिफारिश की आवश्यकता है, पूरी ईमानदारी के साथ आपको चयन की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ करके आपके उज्ज्वल भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए और आपकी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश के लिए लेने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, तो सरकार की भी आपसे कुछ अपेक्षाएं जरूर होंगी। अपेक्षा प्रदेश के अंदर एक सकारात्मक माहौल, प्रदेश के नौजवानों को नई दिशा देने की के लिए आप सबसे सरकार अपेक्षा रखती है। एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि पिछली सरकार बेमानी और भ्रष्टाचार, वंशवाद और जातिवाद का नग्न तांडव करती थी, आप जैसे नौजवानों को नौकरियों से वंचित करती थी, एक सरकार है बिना भेदभाव की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके और ईमानदारी पूर्वक चयन करके आपको
आपकी मेरिट के अनुसार नियुक्ति पत्र भी उपलब्ध कराती है। किसी भी स्तर पर आपको सिफारिश की आवश्यकता है ही नहीं। हमारे डिप्टी सीएम को, जो इस विभाग के मंत्री हैं, उनको स्वयं नहीं मालूम है कि किस शिक्षक को किस विद्यालय में जाना है, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया है। उस ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपने ऑप्शन भरे हैं, आपका स्वतः उस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके चयन की प्रक्रिया के साथ आप नियुक्ति पत्र आप प्राप्त कर लेंगे। ये एक पारदर्शी व्यवस्था प्रदेश की प्रतिभा और प्रदेश के नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए। जब सरकार इतनी स्वस्थ प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है तो एक स्वस्थ और सकारात्मक माहौल प्रदेश के अंदर बनाने के लिए आपसे भी अपेक्षा करती है। याद रखना, मेहनत और परिश्रम का कोई किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो परिश्रम करेगा, अपने फील्ड में ईमानदारी पूर्वक कार्य करेगा, उसका परिणाम आता ही है और आना ही चाहिए, और यह संकल्प आप सबका होना चाहिए। आप इंटर कॉलेजेस में जाएंगे, याद रखना जिन इंटर कॉलेजेस में आप जाएंगे वे इंटर कॉलेजेस ही प्रदेश की जो पीढ़ी आज शासन में या प्रशासन में लीड कर रही है, नेतृत्व दे रही है, ये इन्हीं इंटर कॉलेजेस की देन है। ये कहीं और से नहीं आए हैं, किसी कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल से नहीं आए हैं, ये इन्हीं से आए हैं। और आपको देखना होगा एक उस समय उस कॉलेज और उस संस्था की स्थिति क्या थी कि वह प्रदेश को नेतृत्व देने वाली टीम और फौज खड़ी कर सकती है, और एक अब जब उसके सामने एक अस्तित्व का संकट आया हुआ है, अस्तित्व के संकट से उसे उभारने की आवश्यकता है, एक नया विश्वास भरने की आवश्यकता है पूरी टीम, शिक्षकों की टीम के अंदर, छात्र छात्राओं के अंदर, विद्यालय परिवार के अंदर, अभिभावकों के अंदर, और उस विश्वास को भरने का पहला काम आपको करना है। ईमानदारी से एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि अगर विद्यालय 9 बजे प्रारंभ हो रहा है तो 8:30 बजे अपने विद्यालय में पहुंचे, विद्यालय 3 बजे 4 बजे बंद हो रहा है तो उसके आधे घंटे के बाद निकले, एक एक क्लासरूम को देखें, अपनी क्लासरूम में जाकर के चेक करें साफ सफाई की व्यवस्था से लेकर के, एक एक छात्र पर व्यक्तिगत रुचि लेनी पड़ेगी, और व्यक्तिगत रुचि लेकर के उसके सर्वांगीण विकास में आपकी क्या भूमिका हो सकती है, इस भूमिका के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो वह छात्र आपको सदैव याद करेगा, स्मरण करेगा, जिस भी स्थिति में होगा, लेकिन आपके इस कृतित्व के प्रति सदैव कृतज्ञता ज्ञापित करेगा। लेकिन अगर आपने लापरवाही की तो वही छात्र फिर आपको जिंदगी भर कोसेगा भी, और जिंदगी भर कोसने का मतलब अगर आप 17-18 वर्ष की आयु में उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो याद करिए आगे के 60-70-80 वर्ष आपको उस छात्र के मुंह से गाली ही गाली खानी है। इसलिए आपको गाली खाना है या यश प्राप्त करना है ये आप पे निर्भर करता है, और उस दिशा से अपने आप को तैयार करना पहला कार्य आपका होना चाहिए। दूसरा, मैं अक्सर एक बात को देखता हूं कि कार्य, देखिए आप जाएंगे अलग अलग जनपदों में, प्रदेश के अंदर 8 आकांक्षात्मक जनपद हैं। ये आकांक्षात्मक जनपद वह जिनकी अभी कुछ आकांक्षाएं बची हुई है। नीति आयोग ने कुछ पैरामीटर तय किए थे, और पैरामीटर इस बात को तय किए थे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, एग्रीकल्चर के फील्ड में, स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में या अन्य क्षेत्रों में वह जनपद अन्य जनपदों की तुलना में भी पिछड़े हैं। ऐसे 8 आकांक्षात्मक जनपद सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, ये 4 जनपद नेपाल सीमा से सटे हुए हैं। शेष 4 जनपद चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट और फतेहपुर, ये 8 जनपद प्रदेश के अंदर आकांक्षात्मक जनपद हैं जिनको अन्य जनपदों के साथ एक नई प्रतिस्पर्धा के साथ खड़े होने के लिए अभी मेहनत करनी है। आप में से बहुत सारे शिक्षक इन आकांक्षात्मक जनपदों में जा रहे होंगे, अतिरिक्त मेहनत
इन जनपदों को किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर एक शिक्षक के रूप में जब आप कार्य करेंगे तो वहाँ पर बालक भी होंगे, बालिकाएं भी होंगी। बालिकाएं होंगी, उनका स्कूल से ड्रॉप रेट ज़्यादा होगा, यानी असमय स्कूल छोड़ देने की प्रवृत्ति, कोई छठी क्लास में एडमिशन लिया उसके बाद स्कूल आना बंद कर दिया, किसी ने आठवीं के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया होगा। ऐसे अभिभावकों को चिन्हित करना, फिर अभिभावकों को समझाना, फिर उन बालिकाओं को स्कूल भेजना, और में से बहुत सारी बालिकाएं होंगी जो एनेमिक होंगी। आप बाल विकास और पुष्टाहार विभाग के साथ संवाद बना करके, आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ संवाद बना करके, ICDS के साथ संवाद बना करके, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ संवाद बना करके, उन बालिकाओं को मिलने वाले पोषाहार से, उनको मिलने वाले उस व्यवस्था के साथ जोड़ करके उस बालिका के स्वास्थ्य के प्रति चिंता कर सकते हैं। विद्यालय की रुचि होनी चाहिए, या फिर क्योंकि अगर वही बालिका आगे आएगी, याद रखना मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को आप फिर नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह बालिका आज एक आपकी बालिका है, आपकी विद्यार्थी है, अगर आज उसके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं तो कल वही बालिका जब आगे बढ़ेगी तो प्रदेश के स्वास्थ्य के आंकड़ों पर निरंतर प्रहार होते हुए दिखाई देंगे। उसके प्रति हमें सजग होना होगा, बताना होगा, बालक हो या बालिका, उनके बारे में जागरूक होना, उनको सही दिशा देना, उन्हें शासन की योजनाओं से अवगत कराना, आकांक्षात्मक जनपदों में विशेष रुचि लेकर के कार्य करना, और साथ साथ शासन की योजनाओं की जानकारी भी रखना। याद रखना, मैं देख रहा था, मैंने एक बार एक तकनीकी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए कुछ छात्रों को अपने पास बुलाया था, वे फाइनल ईयर के थे, कुल 20 छात्र मेरे पास आए थे, बीटेक कर रहे थे सभी। मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने कहा आप लोग क्या करना चाहते हैं। 20 में से 16 ने स्वयं इस बात को कहा कि हम लोग स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं। दो ने कहा कि हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहते हैं। दो ने कहा कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी तो सरकारी नौकरी, नहीं तो जहां काम मिल जाएगा वहां काम करेंगे। जो लोग 16 लोग थे, मैंने इनसे पूछा तो आप अब स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं तो क्या समस्या आ रही है। उन्होंने कहा देखिए साहब, हम सामान्य परिवारों के हैं, हमारे परिवार के पास इतनी पूंजी नहीं होगी कि हमें 5 लाख 10 लाख रुपए की सहायता कहीं से मिल सके या परिवार उपलब्ध करा दे। हमें चाहते हैं कि हमें कोई एक व्यवस्था मिले। तो मैंने कहा इसकी तो पहले से स्कीम है, प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना के अंतर्गत भी आप इस कार्य को कर सकते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ उसको जोड़ करके भी आगे बढ़ा सकते हैं। अगर शासन की इन योजनाओं की जानकारी शिक्षक को नहीं है तो स्वाभाविक रूप से छात्र को भी नहीं होगी। शासन कोई स्कीम निकालता है, कोई कार्यक्रम निकालता है, किसी एक योजना के बारे में जानकारी देता है। शिक्षक का मतलब ये नहीं कि आपने अपनी डिग्री ले ली, प्रशिक्षण ले लिया, शिक्षक हो गए तो इसके बाद आपका किसी भी प्रकार के स्वाध्याय से संवाद समाप्त, संबंध समाप्त हो गया। एक शिक्षक तभी योग्य शिक्षक हो सकता है जब वह निरंतर अपने जीवन के विद्यार्थीपन को हमेशा अपने अंदर बनाए रखेगा। अगर वह सदैव एक विद्यार्थी के रूप में सीखने की जिज्ञासा के साथ आगे कार्य करेगा तो जीवन पर्यंत वह सुयोग्य शिक्षक के रूप में भी बेहतर कार्य कर पाएगा। अगर किसी ने मान लिया है कि अब मैं नियुक्त हो चुका हूं, अब मुझे किसी प्रकार की डिग्री की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार के स्वाध्याय की आवश्यकता नहीं, अब मैं क्यों पढ़ूंगा, अब तो मैं शिक्षक बन ही गया हूं, अब तो मेरे लिए मैदान खुल चुका है, अब मैं नेतागिरी कर सकता हूं, अब तो मैं विद्यालय नहीं भी जाऊंगा तो भी मुझे वेतन मिलना ही मिलना है, अगर ये इस प्रवृत्ति में पड़े कभी अपने जीवन को यशस्वी नहीं बना सकता, कभी नहीं बना सकता, और सुयोग्य शिक्षक कभी नहीं हो सकता है। इसलिए निरंतर जानने की एक प्रवृत्ति। शासन ने योजना घोषित की 1 district 1 product की, आपका दायित्व क्या बनता है, आप इसके बारे में जानकारी लें।
शासन के पोर्टल को टटोले, शासन से संवाद बनाए, ये स्कीम क्या है हम जानना चाहते हैं, और फिर स्कीम के बारे में नोट बनाकर एक पेज का नोट बनाना, उस नोट के माध्यम से फिर स्कूल में मॉर्निंग असेंबली होती होगी, नहीं होती है क्लास में जाइए और बच्चों से 10 मिनट के लिए आप बच्चों के सामने बता देंगे ये शासन ने एक स्कीम निकाली है, ये विश्वकर्मा श्रम सम्मान की है, परंपरागत हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने की, ये स्कीम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की है, इसके माध्यम से जो प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम है उनको प्रोत्साहन देने की, ये पीएम स्टार्टअप की योजना है। इस पीएम स्टार्टअप योजना का उद्देश्य है कि किसी भी यूथ को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें कौन कौन सी स्कीम हो सकती है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक हो सकती है, और भी तमाम योजनाएं हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ हम जोड़कर उसे आगे बढ़ा सकते हैं। पीएम स्टैंडअप की योजना है, कोई महिला उद्यमी काम करना चाहती है, बैंक से पूंजी की कमी है, पैसा नहीं मिल पा रहा है, हर एक ब्रांच के लिए अनिवार्य है कि एक महिला उद्यमी को जरूर वह लोन की सुविधा से आच्छादित करेगा। हम किसी को भी इसके माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों को आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते होंगे, लेकिन जब हमें स्कीम की जानकारी नहीं होगी हम नहीं कर पाएंगे। हम अक्सर देखते हैं कि एससी एसटी या ओबीसी के बच्चे आते हैं, कहते साहब हमें स्कॉलरशिप नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? हमने समय पर आवेदन नहीं किया। क्यों नहीं आवेदन किया? हमें जानकारी नहीं थी। आप विद्यार्थियों को बता तो सकते हैं, स्कॉलरशिप के बारे में बता सकते हैं, शुल्क प्रतिपूर्ति के बारे में बता सकते हैं, शासन की तमाम अन्य योजनाओं के बारे में बता सकते हैं। आप में से तमाम लोग सहायक शिक्षक के रूप में, तमाम लोग प्रवक्ता के रूप में जाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, क्या करना है? आपको स्वयं जानकारी नहीं तो आप कैसे बताएंगे? बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको नीट की तैयारी करनी है, आपको जानकारी होनी चाहिए कब ये तैयारी होती है, कैसे होना है, कैसे प्रश्न पत्र होते हैं। स्वयं तैयार करना और फिर लोगों को उसके लिए तैयार करवाने के लिए आगे बढ़ना, आप एक सुयोग्य शिक्षक के रूप में अपने कार्यकाल को यादगार बना सकते हैं। और यादगार अगर व्यक्ति का कार्यकाल नहीं तो उसका जीवन बेकार है। मुझे लगता है कि तब तो फिर सामान्य नागरिकों की तरह, सामान्य लोगों की तरह बहुत सारे लोग हैं जो जन्म लेते हैं, पता ही नहीं लगता, गुमनाम चले भी जाते हैं। ये कोई जीवन नहीं है। जीवन को वही जिस पारी को हम यादगार बना सके, और उस यादगार पारी के लिए आप सबको एक अवसर प्राप्त हुआ है। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबको, क्योंकि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य ही है ये, हम उस दिशा में प्रयास प्रारंभ करेंगे। आप सबके चयन के लिए आपको बधाई, हृदय से मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि शासन की मंशा के अनुरूप आप परिणाम देने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। हम सबके प्रेरणा स्रोत, पथ प्रदर्शक, आज के आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। मेरा विनम्र निवेदन माननीय राज्य मंत्री माध्यमिक शिक्षा श्रीमती गुलाब देवी जी से आज के आयोजन के विषय में धन्यवाद ज्ञापित करने का कष्ट करें। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा के क्षेत्र में एक नई गति लाने वाले, कीर्तिमान स्थापित करने वाले ऐसे हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, मंचासीन हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी, मुख्य सचिव श्री राजेंद्र तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला जी, शिक्षा निदेशक विनय पांडे जी,
उनके समस्त पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित नवनियुक्त मेरे सभी शिक्षक और शिक्षिका बहनें, अभी बड़ी विस्तार से माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने विषय के लिए रखा। उन्होंने इस बात के लिए बताया कि आज आपके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जिस दिन का इंतजार आप बरसों से कर रहे थे, जब आपने इंटर किया होगा, बीए किया होगा, तभी से आपके अंदर ये भावना आई होगी कि हम कुछ ना कुछ जरूर बनेंगे, और ईश्वर ने आज वो आपकी भावना पूर्ण कर दी। ये तीसरा चरण है जब ये नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। इससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा हजारों शिक्षकों के लिए नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। इसमें आज 2667 BTC के और 179 प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। आज से ही आपके जीवन में एक नया उत्साह, नया आत्मविश्वास और नया बल आपको मिला होगा, और मिले भी क्यों नहीं, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री जी भी युवा हैं और युवाओं की समस्याओं से वो अवगत हैं। इसीलिए यहाँ जितने बैठे हैं उसमें मैं समझती हूँ 99% युवा युवतियों के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, और इस उम्मीद से दिए गए हैं जितनी आसानी से आज आपके लिए ये नियुक्ति पत्र मिले हैं उतना आसान इसको निभाना नहीं है, बहुत चुनौतियों से भरा हुआ है। क्योंकि हम लोग भी शिक्षक रहे हैं, हम जानते हैं कि कितना बड़ा समन्वय आपको स्टाफ के साथ रखना पड़ेगा, शिक्षकों के साथ कितना बड़ा समन्वय आपको प्रबंध समिति के साथ रखना पड़ेगा, और कितना बड़ा समन्वय आपके चतुर्थ क्लास के जो कर्मचारी उनके साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि जीवन ही एक समन्वय है। कोरोना के काल में जहाँ बच्चे ये समझ रहे थे कि हम बिल्कुल शिक्षा से वंचित हो गए हैं, शिक्षकों से अलग हो गए हैं, ऐसे समय में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, हमारे उप मुख्यमंत्री जी द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि हमारे बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मैं यहाँ चूँकि समय कम है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जाना है, तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि आज जो दायित्व मिला है इसका बहुत बड़ा प्रभाव बच्चों के व्यक्तित्व में पड़ेगा। आपका कैसा आचरण है, आपका किस प्रकार की कार्य क्षमता है, किस प्रकार की आपकी स्थिति है, ये सारी चीज़ें बच्चों के व्यक्तित्व में पड़ने वाली हैं। तो यहाँ मैं एक सुझाव भी दूंगी कि सभी हमारी शिक्षिका बहनें, सभी शिक्षक भाई अपने ऊपर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आप ही समाज में एक बहुमुखी विकास करेंगे। आप तो शिक्षक हैं और आपके माध्यम से कितने IAS बनेंगे, कितने IPS बनेंगे, कितने और अधिकारी बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर सब बनेंगे। इसलिए इस मौके पर मैं केवल इतना कहना चाहूँगी कि जो प्रक्रिया हमारी निष्पक्ष रूप से हुई है, बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव किए हुए आज जो प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई गई है, वो वास्तव में ही माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी शिक्षा मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मैं ऐसे मौके पर जो हमेशा ही हमारे शिक्षा विभाग के लिए हमेशा अपना कीमती बहुमूल्य समय देते हैं, मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का और माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करती हूँ, उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद।
कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से